गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टुडे आवर टॉपिक इज आर्किया। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए किंगडम ऑफ सिंगल सेल माइक्रोनिजम्स। दे डू नॉट हैव सेल न्यूक्लियस सो आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। दे आर लिविंग फॉसिल्स। ये कैसे होते हैं? लिविंग फॉसिल्स। दे लुक लाइक बैक्टीरिया। ये देखने में बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, बट आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। दीज आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग क्लूज टू अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब पहले के लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में हमें जानने में क्लू देते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। ये सभी जगह पाया जाता है, सभी चीज़ों में। बैक्टीरिया है वे नंबर ऑफ सेल्स रैंगिंग फ्रॉम स्फेयर्स टू रॉड्स एंड स्पाइरल्स। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड कैन काउज ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिप्थेरिया एंड पेनुमोनिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर मेकिंग विटामिन्स। विटामिन्स बनाने में ये बहुत ही यूजफुल है। सम बैक्टीरिया हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग गार्बेज एंड दस हेल्प इन मेंटेनिंग आवर एटमोसफेयर। कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग गार्बेज बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में हेल्प मिलता है। लुक एट दिस पिक्चर। देखो ये कितने छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, फंगी। नेक्स्ट, फंगी। दे रिसेम्ब्स लाइक दैट बैक्टीरिया इन देयर वेरियस एक्टिविटीज बट लार्जर इन साइज देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से बड़े होते हैं फंगी। They help to bake the bread, help in recycling of waste matter and also useful in decomposing the waste। ये bread bake करने में help करते हैं और जो waste matter है उसे ये decomposing waste material को में ये useful हैं। Some of them are harmful also that cause skin disease like ringworm and athlete's foot। ये सब बीमारियाँ हो जाती है, स्किन डिजीज, स्किन की बीमारी। नेक्स्ट क्या है? प्रोटोजोआ। द नेम प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल। इसका मतलब होता है फर्स्ट एनिमल्स। एज द प्रिंसिपल हंटर्स दे प्ले ए की रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बैक्टीरियल, एलगल एंड अदर माइक्रोबियल लाइफ। द वर्ड प्रोटोजोआ ऑल्सो मीन लिटिल एनिमल्स। इसका क्या मतलब है? लिटिल एनिमल्स। एज दे बिहेव लाइक स्मॉल एनिमल्स, मेनली दे हंट एंड गैदर अदर माइक्रोब्स एज फूड। देखो ये है प्रोटोजोआ। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ सोइल। ये सभी तरह की मिट्टी में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन डेजर्ट सैंड एंड ऑल्सो इवन इन फ्रिगिड आर्कटिक वाटर। ये डेजर्ट मतलब बालू में भी पाए जाते हैं और फ्रिगिड आर्कटिक वाटर्स में भी पाए जाते हैं। दे आर यूजफुल इन मेंटेनिंग बैलेंस विथ इन माइक्रोबियल वर्ल्ड। सम प्रोटोजोआ कैन काउज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। इससे ये बीमारियां भी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? वायरस। दीज आर द माइक्रोब्स विच कैन नॉट बी सीन यूजिंग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। इसे हम लोग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वायरस वी नीड पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब इसे हमें देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। दे आर रियली टू स्मॉल टू विजुलाइज देम। बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग ऑन देयर ऑन। दे यूजली रिसाइड इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड होस्ट इन हुज बॉडी वायरस रेस्ट।
They are minute organism in the microbial world. They use the host body to grow and multiply themselves. Look at this picture. देखो इस तरह के दिखते हैं. They take the food of the host body to gain energy. They cause diseases like flu, measles, common cold and polio. इससे ये सब बीमारियां भी हो जाती है. So children, today's class is over. Thank you.